राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दौरान राजकीय गौरी महाविद्यालय में दूसरे दिन छात्राओं से योगाभ्यास के साथ साथ कई अनेक गतिविधियां कराई गईं। इस शिविर के दौरान एनएसएस प्रभारी मधुसूदन वर्मा ने बताया कि 7 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें श्रमदान और योग अभ्यास सहित विभिन्न प्रकार के समाज में फैली बुराइयों पर लगाम लगाने के लिए व्याख्याताओं द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे, ताकि राष्ट्र सेवा के प्रति बालिकाओं की भावनाओं को जागृत किया जा सके। ये 7 दिवसीय शिविर होता है एनएसएस में। हमारे पास साल में 3 तो 1 दिवसीय शिविर आयोजित करते हैं और एक विशेष शिविर 7 दिवसीय आयोजित किया जाता है। तो ये 7 दिवसीय एक विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम जो है कल इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद इसमें प्रतिदिन हम 3 सत्र रखते हैं। पहले सत्र में जो है योगा अभ्यास करवाते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद हम श्रमदान का एक सत्र होता है और ये श्रमदान और योगा का में बच्चों की जो है फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। फिर उसके बाद एक बौद्धिक सत्र रखते हैं जिसमें कोई भी जो है इंटेलेक्चुअल पर्सन आकर बच्चों को मोटिवेशनल स्पीक करता है। फिर उसके बाद एक सांस्कृतिक जो है सत्र रखा जाता है जिसके अंदर हम जो है बच्चों से अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराते हैं। अभी क्या क्या आज कराया गया है? आज अभी आप जैसे देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे से हमने योगा की क्लास लगाई हुई थी। श्रीमती गंगा देवी जो हैं वो यहाँ पर योगा करवाती हैं। फिर उसके बाद बच्चों को नाश्ता दिया जाता है और उसके बाद हम जो दूसरी एक्टिविटी होगी वो श्रमदान की।